हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज पूरे 2 वीक बाद में मैंने कैमरा उठाया है। इतना ज्यादा मुझे फोमो हो रखा था, सब जगह इतनी दिवाली की वाइब है तो मैं रियली सबको बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। बट आज फाइनली सोचा कि नहीं, जस्ट छोड़ो सबको, जहाँ हैं उस जगह को, उस मोमेंट को एंजॉय करते हैं। सो कल धनतेरस है, आइडियली कल से दिवाली के सारे सेलिब्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं, हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं उनके यहाँ पे बर्थडे पार्टी है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए। मतलब सीरियसली, बैंकॉक आने के बाद अगर किसी ने हमारा सबसे ज्यादा साथ दिया है ना, तो यही फैमिली है। तो अभी हम जा रहे हैं और आज से एक तरीके से हमारी सेलिब्रेशंस, पार्टीज, दिवाली पार्टीज, बर्थडे पार्टी सब स्टार्ट हो रही है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जितना भी मैं पूरा इस दिवाली सीरीज में व्लॉग करूंगी, सब इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। आई होप आपको देख के मजा आए। और मेरे साथ है मेरे चिट्टू पिट्टू। हाय चिट्टू पिट्टू, से हेलो टू एवरीवन। हेलो शाना, से हेलो टू एवरीवन, माय बिग बॉय। पहुंच गए हम फाइनली। मतलब इतनी मैं मूर्ख हूँ, मतलब मैं अपना मूर्खता का सबूत देती हूँ आपको। 5:30 का मेरे पास इनवाइट था और मैंने उस पर लगा दिया IST, और मैं एकदम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लगा के 5:25 पे घर से निकली हूँ, बैंकॉक के ट्रैफिक को बिल्कुल अवॉइड करके। और फाइनली इसका बम्मी टूटने वाला था, क्योंकि मतलब मुझे लगा कि बाइक से आ रहे हैं तो सारा ट्रैफिक बीट करते हुए चले जाएंगे, बट इट वॉज जैम पैक्ड। मतलब पूरा एक घंटा लगा। इट इज 6:30 राइट, इट इज 6:30 और जैम था। अब हम पहुंच गए हैं, सो नाउ लेट्स बिगिन द पार्टी। हेलो एवरीवन, हैप्पी धनतेरस। आज से तो त्योहार शुरू हो रखे हैं। आई होप आप लोग बहुत मजे कर रहे होंगे। हमने कल बहुत बहुत इंजॉय किया। 6:30 हम पहुंच गए थे और 10:30 के बाद हम वहां से निकले हैं। सो यू कैन इमेजिन, फुल ब्लास्ट, बहुत बहुत इंजॉय किया। और आज फिर से हम जा रहे हैं एक और बर्थडे सेलिब्रेशन में। सो हमारे लिए दिवाली का सेलिब्रेशन इज बैक टू बैक बर्थडे एंड वी आर थरली इंजॉइंग इट। और बस यहाँ इट्स ऑलरेडी 6:30, अंधेरा चारों तरफ हो रखा है, बच्चे एकदम रेडी है, मेरा वेट कर रहे हैं। सो लेट्स गो और देखते हैं वहाँ पर कितनी व्लॉगिंग कर पाऊंगी। पहुँच के व्लॉगिंग मैं नॉर्मली करती नहीं हूँ, बट जितना होगा उतना करेंगे। और आई होप आपको देख के मजा आ रहा होगा। स्टे ट्यून्ड टिल एंड। डन नाउ, अब हम वापस घर जा रहे हैं। और अभी हम जहाँ पे ना, दिस इज प्रथम एरिया जहाँ पे हम पहले रहते थे, एक्चुअली उसके बहुत पास में है। और इतनी डिफरेंट वाइब है अभी तो, बिल्कुल एकदम बहुत इंडियन टूरिस्ट भी है और बहुत ही अच्छी फेस्टिव वाइब है। तो काफ़ी ओपन हो चुका है, मैं खुद यहाँ पे बहुत दिनों बाद आई हूँ, सो आज इसलिए बहुत डिफरेंट लग रहा है। मज़ा आया ना शबू? ये अराउंड 8:30 बहुत ज़्यादा खाली हो जाता था, बट अभी 9:30 हो रहा है, इतनी रौनक है, सारी लाइट्स ऑन है और बहुत अच्छी वाइब है। सो बड़ा मज़ा आ रहा है। यस, हम ऐसे ही मार्केट स्ट्रोल करने के लिए आ गए हैं। शबा का थोड़ा सा कोल्ड है तो अभी हम घर जाते हैं, आपसे मिलते हैं अब कल। वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूँ अभी पावराट में जो लिटिल इंडिया है, और मेरे पीछे जो दिख रहा है दिस इज कॉल्ड एज ऑंग एंग कनाल। और यहाँ पे बहुत अच्छा एक दिवाली का सेलिब्रेशन है, 3 दिन के फंक्शन है, आज थर्ड डे है। सो मैं एक बार एक्सप्लोर करने के लिए आई हूँ। बहुत कुछ चिटपुट्स लेनी है मुझे, दिवाली का पूजा का सामान और कुछ डेकोर के आइटम्स। देखते हैं अंदर क्या क्या है, बट आई एम सुपर एक्साइटेड। वहाँ आगे की तरफ जो जगह दिख रही है वहाँ पे बहुत अच्छे बॉलीवुड सॉन्ग्स बज रहे हैं, तो मुझे यहाँ तक आवाज़ें आ रही है। तो चलते हैं वहाँ पे और देखते हैं कैसा है, बट आई एम सुपर एक्साइटेड एकदम। यहाँ आके मुझे दिवाली वाला फील आ रहा है। यहाँ पे मेरे अलावा और भी बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आए। यू वांट टू मीट समवन? जस्ट हैव अ लुक, कौन कौन पहचान में आ रहा है? शाहरुख खान आई कैन सी, जानवी कपूर आई कैन सी। यहाँ पे कल्चरल इवेंट हो रहा है तो स्टॉल्स तो है ही, बट गाना बजाना बड़ा मस्त चल रहा है। बहुत ज़्यादा भीड़ है, मतलब लिटरली पहुँचने की जगह नहीं है, मेरे पीछे भी देख सकते हो। और इस तरफ तो बस एक्सेस में भीड़ है, सबसे ज़्यादा भीड़ यहाँ पे है। क्या है, चलो देखते हैं चल के। एज एक्सपेक्टेड, चाट और मिर्ची बड़े तो मम्मी अगर यहाँ होती है ना तो एकदम खुश हो जाती है। अभी माई मॉम इज डाई हार्ड फैन ऑफ मिर्ची बड़ा, सो मुझे मिर्ची बड़ा देखो फाइनली यहाँ पे। जो भीड़ चाट पे होती है वो तो खैर डेफिनेटली कहीं और होती ही नहीं है। ये वाला कैसा है? ये दिस वन, ये देखो। तो मैं अभी आ गई हूँ मिठाई पैक कराने के लिए, आप मेरे पीछे देखिए लाइन से एंड तक बहुत वैरायटी की स्वीट्स रखी हुई हैं और मैंने सब पैक करवाई हैं थोड़ी थोड़ी। सो अभी पैकिंग हो रही है, थोड़ा टाइम लगेगा। और ये जो भैया है ना, ये मेरे लिए पैक कर रहे हैं। कब से पैक कर रहे भैया? सुबह से पैक कर रहे हैं, तो इन्होंने मुझे कहा बैठ जाओ, टाइम लगेगा। सो जलेबी लुकिंग सो टेम्पटिंग सी।
तो जलेबी, काजू कतली और सब कुछ, सारी वैरायटी आज जा रही है मेरे साथ में, और जो घर पे बन रही है वो तो अलग है, बट मैं ही पैक करा के आगे चलती हूँ। अभी मुझे थोड़ा सा जो डेकोर है, पूजा वाला सामान है वो लेना है, बट हाँ ये जो फेयर लगा है ये बहुत क्राउडेड है, प्रॉब्लम मैं यहाँ से निकल जाऊँगी और जो मेन फावराट मार्केट है वहाँ जाने का सोच रही हूँ यहाँ के बाद में, बट पहले स्वीट्स पैक कराती हूँ, अगर लेट हो जाऊँगी तो फिर रश बढ़ता चला जाएगा। अभी तो इट्स अराउंड 4 तब ये हाल है, और ये आज का प्रोग्राम है 10 PM तक और लास्ट डे है, सो शाम को डेफिनेटली भीड़ होने वाली है, तो क्विकली पैक कराते हैं और फिर 2, 3, 4, 5 ओके। मैंने स्वीट्स ले लिए, देखिए कितनी सारी मैंने स्वीट्स लिए, एंड हाई शी इज़ प्रीत एंड दिस इज़ ममाज रेस्टोरेंट, और यहाँ की स्वीट्स बहुत अच्छी है, और अभी तो मैं फेस्टिवल देखने के लिए आई थी बट मेन पर्पज़ था स्वीट्स लेने के लिए, सो इफ़ यू एवर कम दिस साइड गो चेक आउट, बहुत अच्छा खाना है और बहुत अच्छी स्वीट्स है। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। चलिए अभी बाहर चलते हैं, ऑल राइट, बाय बाय। रसगुल्ला, दिस इज व्हाट, रसगुल्ला, रसमलाई, ओके। तो यहाँ पे है रॉयल इंडिया और इधर भी मिठाइयाँ बन रही है, तो आज तो हर एली में एकदम स्वीट्स की खुशबू है, बहुत अच्छी एकदम फ्रेश मावे की खुशबू आ रही है। हाँ चलिए बाहर आ गई हूँ मैं, अब देखते हैं इधर क्या पे है, इधर पे क्या है। तो ये वही आंटी है, वही आंटी एजन की, ये यहाँ की बहुत फेमस आंटी है, इनके एक ये जो कॉर्नर पे एकदम फावराट की कॉर्नर पे इंडिया एम्पोरियम इज़ ऑन दी राइट साइड, यहाँ पे इनका समोसों का एक स्टॉल है 30 ईयर्स ओल्ड। मैंने लास्ट ईयर दिवाली पे यहाँ से समोसे पकौड़े लिए थे, इट वाज़ वेरी गुड। आज मेरा कोई प्लान नहीं है कुछ और ख़रीदने का, खाने की चीज़ एटलीस्ट, सो अभी जाते हैं कुछ और चिटबिट्स लेने हैं, पूजा का सामान वो लेते हैं, बट हाँ ये समोसा वॉज वर्थ शेयरिंग लिटरली, कभी आओ तो ट्राई जरूर कर सकते हो आप लोग यहाँ पर। आ गई हूँ एकदम पूजा सामग्री पैराडाइस में, मतलब यहाँ पे एकदम अच्छी जो धूप की और अगरबत्ती की खुशबू है बहुत ही अच्छी आ रही है, जस्ट सी। मैं थक चुकी हूँ पूरी तरीके से, बहुत अच्छी वाइब थी लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन मुझे सब मिल गया है, स्वीट्स मिल गई है, रंगोली कलर्स में सरप्राइजिंगली शेड्स ही नहीं बचे, हाँ कितना ट्रैफिक है, शेड्स ही नहीं बचे, मतलब हार्डली 2-3 कलर्स बचे हुए थे, बट मैंने उसमें से उठा लिए क्योंकि शवे ने मंगवाए थे रंगोली कलर्स लेके आना, सो वो सब मिल गया है। अब चलते हैं घर, और अभी यहाँ तक देख रहे हैं तो सब सब्सक्राइब भी कर दीजिए, किसका वेट कर रहे हैं, सो चलो अब मैं जाती हूँ घर, आप करो तो फिर सब्सक्राइब और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हेलो, विशिंग यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी दिवाली, और मैं और मेरे साथ में श्रव्या मिलके यहाँ पे बना रहे हैं अभी रंगोली। देखिए छोटी सी जितनी हमें आती थी उतनी रंगोली हमने बनाई, और छोटी सी बड़ी सी है, बड़ी सी हमने कर ली है। से हेलो टू एवरीवन, सी एकदम सूट वूट पहन के क्यूटा क्यूटा श्रव्या। सो आज का दिन बहुत ही हेक्टिक तो नहीं था, सुबह मैंने बनाया चूरमा जो मेरा एक स्टेपल है, आई थिंक मेरे यहाँ पे दिवाली पे अब वो स्टैंडर्ड ही हो गया कि बनना ही बनना है, तो उसके बाद थक गए, दिन में सो गए, ऐसा कुछ प्लान नहीं है। अभी जाएंगे गार्ड्स वगैरह जो नीचे हैं उनको हम थोड़ा सा स्वीट्स देंगे, कल मैं उन लोगों के लिए सबके लिए स्वीट्स लेके आई थी। आज बस एक चीज़ बहुत अच्छी हुई कि बैंकॉक में भी हॉलीडे है जिसकी वजह से आज सबकी छुट्टी है, तो सब आराम से इंजॉय कर रहे हैं, तभी पूजा करेंगे और फिर थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं, बट ये हमारी छोटी सी बेसिक सी दिवाली। तो ये थी हमारी दिवाली, आपको आई होप जो दिवाली की मैंने ग्लिम्सेस दिखाई है वो अच्छी लगी होगी, बात चल रहे हैं बहुत पटाखे, बट हमने क्या किया, हमने आज खूब खाया और वी आर प्रीटी मच डन, और आई होप आप लोगों की दिवाली बहुत अच्छी रही होगी, हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। ये वीडियो पसंद आता है तो इसको बिग थम्स अप देना, बड़ी मुश्किल से इनको पकड़ के लेके आई हूँ, सो गिव इट अ बिग थम्स अप, और मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्दी किसी और वीडियो में, तब तक बाय, हैप्पी दिवाली, से हैप्पी दिवाली।